नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सूटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब काशी विश्वविद्यालय का फाइनली रिवाइज पीएचडी बुलेटिन आएगा। अभी आपके सामने वो ऑफिशियली अवेलेबल हो चुका है और मैं आपको इस वीडियो में उस रिवाइज पीएचडी बुलेटिन के साथ साथ ये पूरा न्यू एडमिशन पीएचडी प्रोसेस का जो है आपके सामने आज रखूंगा, क्योंकि ये पुराने मैथड जैसा नहीं है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी बदलाव आया, कई सारे हमारे शैक्षणिक गतिविधियों में बदलाव आए हैं, उसी तरीके से बीएचयू में रिसर्च करने का जो रास्ता है वो बदल गया है। तो आपको पूरा ये वीडियो समझना चाहिए जिससे कि आपको फाइनली ये पता चल सके कि अब वो कौन कौन से बदलाव हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। मैं आपसे ये निवेदन भी करूंगा, ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाइए जिससे कि न्यू पीएचडी एडमिशन प्रोसेस के बारे में उन्हें पता चल सके और वो लोग फाइनली पूरी जानकारी लेने के साथ साथ बीएचयू में रिसर्च कर सके। हमारे पास जो पुराना मेथड रहा है उसमें से नए में भी बहुत सारी चीजें एज इट इज लाई गई है, बस थोड़े मोड़े उसमें अपडेट हुए हैं, थोड़े मोड़े उसमें बदलाव हुए हैं जिसको हमें समझना है। पहला प्रोसेस क्या था, जब हम लोग पहले एडमिशन लेते थे पीएचडी में आते थे तो हमारे पास नेट का एग्जाम होता और उसमें एग्जाम टेट होता और फाइनली बीएचयू का एक रेट हुआ करता था। अब उसी में थोड़े बड़े बदलाव के साथ नया जो हमारा रिवाइज बुलेटिन है वो अवेलेबल है। तो अब इसको हम लोग समझेंगे और मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि प्लीज इसको शेयर जरूर करिएगा। पीएचडी में आपको किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो उसका जो रास्ता है वो अभी के लिए दो है, लेकिन मैं स्पेशली बीएचयू का बना रहा हूं क्योंकि बीएचयू का ही बुलेटिन अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो बीएचयू में दो रास्ते हैं, एक और रास्ता है वो मैं बहुत ही ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, बस चलते चलते आपको बता दूंगा। दो रास्ते ज्यादा हैं क्योंकि इस रास्ते से एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। पहला क्या है, आप लोग नेट का एग्जाम देते हो तो एक नेट हो गया, और दूसरा क्या है, अभी पहली बार सीयूटी पीएचडी का एग्जाम हुआ है तो दूसरा रास्ता है सीयूटी पीएचडी के थ्रू। तीसरा है बीएचयू, कुछ कुछ फैकल्टी डिपार्टमेंट में रेट का एग्जाम अभी लेगा, वो मैं अलग से वीडियो कवर करूंगा क्योंकि उसमें अभी ये नहीं फिक्स है कि कौन सा डिपार्टमेंट फाइनली रेट कराएगा कौन सा नहीं कराएगा, ठीक है। लेकिन इन दो रास्तों का पूरा जो बुलेटिन है वो हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। साथ ही साथ मैं आपसे जो ऑफिशियल लिस्ट है वो भी शेयर करूंगा, जहां पे पूरा डिपार्टमेंट वाइज नंबर्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स हैं, कितने कितने सीट्स आए हुए हैं ये भी आप जान पाओगे। यहां पे जो पहला रास्ता है वो है नेट, यानी आप नेट क्वालिफाइड हो तो इसमें पहला है एपीआई, यानी आपका क्लास 10, 12, यूजी एंड पीजी कुछ परसेंटेज रेशियो में काउंट होता है और उसी के साथ साथ आपका जो नेट में मार्क्स आया हुआ है वो ठीक है, और नेट क्वालिफाइड हो यानी नेट में मार्क्स मतलब नेट क्वालिफाइड हो एपीआई, तो एपीआई के टोटल मार्क्स, नेट क्वालिफाइड हो तो आपके 2.5 मार्क्स और ज्यादा हो तो वो हो जाएगा 5 मार्क्स, ये काउंट होगा। और साथ ही साथ जब आप फॉर्म डालोगे तो आपसे डिपार्टमेंट एक टेस्ट लेगा, ठीक है, जो कि बीएचयू अभी आपको बाद में जब एप्लीकेशन आएगा तो नोटिफाई करेगा। ये टेस्ट भी है जो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी, आपके रिसर्च प्रपोजल से ही पूछे गए क्वेश्चन के बेसिस पे होगा, ठीक है। दिमाग बैठाइएगा कि अभी इसके बाद भी आपका एक एग्जाम है, पहले ऐसा नहीं था। पहले आप अगर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो और आपका जेआरएफ या नेट क्वालिफाइड है तब एग्जाम के थ्रू डायरेक्टली कॉलिंग में आ सकते थे, यानी सीधे आप इंटरव्यू दे सकते थे और उसमें आप अगर क्वालिफाई हो जाते तो फाइनली आपको सीट मिल जाती। लेकिन यहां पे अभी टेस्ट भी आ चुका है, ये 50 मार्क्स का है और इसमें भी क्वालिफाइंग है, यानी आप टोटल 50 के 40% कुछ 20 नंबर आएगा, अगर वो आप ले आते हो तो क्वालिफाइंग माने जाओगे और इसका मार्क्स क्वालिफाइंग के साथ साथ ऐड भी किया जाएगा, और 35% बाकी कैटेगरीज के लिए रखा गया है तो 17.5% निकलती ही आएगा। जब ये दोनों चीजें आप क्वालिफाई करते हो तो फाइनली लिस्ट बनेगी और उसके बाद आपकी इंटरव्यू कॉलिंग होगी जो कि कुछ 25 नंबर के साथ आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा पहला प्रोसेस। इसी में अगर हम लोग दूसरा प्रोसेस देखें तो जो सीयूटी पीएचडी वाला प्रोसेस है उसमें है, एक तो आपका मार्क्स ऐड होगा सीयूटी पीएचडी का और दूसरी बात एपीआई ऐड होगा, और बस इन्हीं, इसमें देखो टेस्ट भी नहीं, बस इन्हीं दोनों के बेसिस पे आपकी कॉलिंग कर दी जाएगी। लेकिन कॉलिंग कितने लोगों को जाएगी तो यहां पे इन्होंने मेंशन किया है कि टोटल सीट का 5 टाइम्स, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, किसी डिपार्टमेंट में 5 सीटें आई हैं तो 5 25 25 और उसमें भी प्लस 5 कैटेगरी वाइज 5 लोगों को और ऐड किया जाएगा और टोटल 30 लोगों की कॉलिंग होगी जो यहां पे मैंने लिख रखा है। तो टोटल कितना किस तरीके से हो गया मैं फिर से बता रहा हूं कि ये 5 कॉलिंग जो लास्ट वाला है कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, जनरल ओबीसी एसटी एससी पीएच वगैरह को इस तरीके से इन लोगों ने डिसाइड किया हुआ है। बाकी आप बुलेटिन पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत इसमें मेथड है, बहुत सारी चीजें हैं तो आप उसको पढ़ के भी समझ लेना।
ठीक है, मैं यहां पे थोड़ा सा आपको एपीआई के बारे में एक रिवीजन दे देता हूं। ठीक है, इसमें इन्होंने आपके फर्स्ट सेकंड एंड डिवीजन थर्ड डिवीजन के बेसिस पे मार्क्स दिया हुआ है और ये पूरा कुछ ऐड करके इस तरीके से लोग निकालते हैं। मैं आपको ज्यादा एपीआई फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो एपीआई पे है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं जो ऑफिशियल बुलेटिन है। ये देखो ऑफिशियल बुलेटिन आया हुआ है जो कि बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। ये है बीएचयू ऑनलाइन का ऑफिशियल वेबसाइट, यानी बीएचयू का ऑफिशियल वेबसाइट। आप बस थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाओ, वो ऊपर यूपीएससी वाला है और उसके नीचे ही आते हो। ठीक है, ये है आपका, यहाँ पे रिवाइज बीएचयू पीएचडी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्लिक करते ही ये पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगा और इसमें पूरा प्रोसेस है। आप इसको बहुत ही आराम से पढ़ना क्योंकि ऑलरेडी आप पीजी के बाद जा रहे हो, आपके लिए बहुत कठिन नहीं है इसको पढ़ के समझना। आप इसको पढ़ के समझ सकते हो, आप इसको स्क्रॉल करके नीचे ले जाना। ठीक है, और यहाँ पे आपकी सीटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे सीटी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, लाइक बीएचयू रेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 14 सीटें हैं जो कि बीएचयू रेट के थ्रू होगा। ठीक है, अगर मैं नीचे ले जाऊं तो कहीं कहीं पे लिखा हुआ है एनटीए रेट, यानी ये एनटीए के थ्रू होगा। यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से उन्होंने मेंशन किया हुआ है बीएचयू रेट, एनटीए रेट, मतलब ये प्रोसेस है, मतलब एडमिशन का जो सीट आई है उस सीट को लेने के लिए कौन से गेटवे के थ्रू इस सीट को लिया जा सकता है, ये चीजें यहाँ पे मेंशन है और ये सीटें मेंशन है। मैं एग्जांपल और देता हूं, चलते हैं अपने डिपार्टमेंट का देखते हैं। ठीक है, लाइक इंग्लिश में टोटल आया है 26 सीटें आई हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने सब टॉपिक्स दे रखा है किस किस एरिया से ये लोग लिए जाएंगे, ये भी यहाँ पे मेंशन है। फिर इसके बाद और भी स्क्रॉल करके जाओ, ज्योग्राफी में 27 सीटें आई हैं, 12 सीटें आई हैं मैथमेटिक्स में, 23 आई हैं स्टैट्स में, और भी देखते हैं हम लोग किसी में, मैंने 40 देखा था, 17 आई हैं लॉ में, यानी जो 3 इयर्स लॉ है उसमें 17 सीटें आई हैं, देख रहे हो काफी सीटें आई हुई हैं, और 20 सीटें हैं साइकोलॉजी में, ओ माय गॉड, कॉमर्स में 57 सीटें, सरप्राइजिंग 57 सीटें, ओ माय गॉड बहुत ज्यादा है। ठीक है, मेरे डिपार्टमेंट का कोई पता नहीं चल रहा होगा कहीं पे, शायद मेरे यहाँ कमी आया था, ज्यादा नहीं आया था, 4 सीटें मेरे यहाँ आई हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप लोग थोड़ा सा अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करें और डिसाइड टू फाइंड आउट द योर रिलेटेड टॉपिक्स, जो भी आपको अपना प्रेजेंट करना है वहां पे एज अ प्रपोजल, वो आप प्रिपेयर करें और उसको इतने अच्छे से प्रिपेयर करें कि जो 5 पॉइंट्स इन्होंने दे रखा है, इसको पढ़ोगे ना तो उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी आपने पढ़ा होगा तो उसमें 5 पॉइंट्स को उन्होंने कैटेगराइज किया है कि स्पेशली यही पूछा जाएगा। 1 घंटे के समय में आपसे 50 नंबर का एग्जाम लिया जा रहा है तो आपके पेपर पहले से ही आउट है, वो आपसे ही पूछे जाने हैं। ठीक है, आपके रिसर्च से ही पूछे जाने हैं, आपके जो प्रपोजल है उसी से पूछे जाने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया प्रदर्शन करना, अच्छे से प्रिपेयर कर लो उसे, और कुछ ही दिन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर्म भरने का, तो आप लोग फॉर्म भरिएगा। फाइनली फिर जो भी प्रोसेस होगा उसको फॉलो करना, मैं यहाँ पे अपडेट देने के लिए आपके लिए रहूंगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं भी कुछ चीजें मिस हो गई हूँ, कुछ छूट गई हूँ, तो आप लोग टेंशन मत लेना, कॉमेंट करना, मैं कॉमेंट रिप्लाई कर दूंगा क्योंकि थोड़ा जल्दी अपडेट देना था तो बस मैं पढ़ा और मैं वीडियो अपडेट करने लगा। थोड़ी मोड़ी कमी हो सकती है तो आप लोग उसको प्लीज, आप ऑलरेडी पीएचडी भी करने जा रहे हो तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, मुस्कुराते हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव।